तो दोस्तों आज मेरे किचन में बनने वाली है स्पेशल दम बिरयानी। स्पेशल इसलिए कि ये बहुत ही समय से मेरे घर में बनती हुई आ रही है। तरह तरह की बिरयानी बनती है लेकिन ये एक है जो हमेशा बनती है। तो आप भी इसे बनाइए और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 केजी के आसपास चिकन। इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 बड़ी चम्मच। 2 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। 2 छोटी चम्मच हल्दी डालूंगी और 2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डालूंगी। और अब यहाँ मैं 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालूंगी। बिरयानी मसाला मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, इसे बाद में मैं डालूंगी। और नमक जो है बिल्कुल आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा नमक ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। फिर उसके बाद मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीका से हाथों से मिला लूँगी। सारे चिकन पे परत बहुत अच्छे से बननी चाहिए और आप इसे अच्छे से मिला के कम 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए डाल दें। फ्रिज में भी डाल सकते हैं, मैंने भी इसे फ्रिज में डाला था। इधर क्या करेंगे, एक कढ़ाही लेंगे और कढ़ाही में मैं डालूंगी 1/4 कप के आसपास तेल। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 केजी प्याज कट किया हुआ। प्याज कट करने के बाद आती है गरम मसाले की बारी। गरम मसाला जो खड़ा गरम मसाला होता है उसको बहुत ही ध्यान से रखना होता है बिरयानी में, क्योंकि जो मेन फ्लेवर आता है और जो खुशबू आती है वो उसी से आती है। तो चलिए हम मसाले को देख लेते हैं। मसाला में सबसे पहले मैं डालूंगी कुछ जावित्री के फूल और उसके बाद डालूंगी 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल और 3 छोटी इलायची, कुछ कबाब चीनी, 1 दालचीनी और सफ़ेद मिर्च डालूंगी, गोल मिर्च, और थोड़ा सा शाही जीरा मैं डाल के इसे बढ़िया से मिला लूंगी। बढ़िया से मिलाने के बाद 2 तेज़पत्ता डालूंगी और हल्का सा अगर लाल हो जाता है तो मैं इसमें चिकन डालूंगी। देखिए मैंने चिकन पहले ही डाल दिया था। फिर इसके बाद चिकन डाल के मैं बढ़िया से इसे मिलाऊंगी ताकि सारे मसाले और तेल आपस में मिल जाए। मिलने के बाद क्या करना है कि हम इसे ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि जो प्याज है वो अपना पानी जो है वो रिलीज कर देगा, उसके बाद ये अपने आप चिकन गल जाएगा। इधर मैं बना लूँगी पुलाव बिरयानी के लिए। तो मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप तेल, 2 तेज़पत्ता डालूँगी, 1 स्टार फूल डालूँगी, 1 बड़ी इलायची, कुछ जावित्री के फूल और दालचीनी, 1 छोटी इलायची और शाही ज़ीरा और कुछ लौंग डाल के मैं थोड़ा सा इसे क्रैकल होने दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें 1.5 लीटर के आसपास पानी डाल दूंगी। हल्का पानी गर्म हो जाएगा मैं इसमें चावल डाल दूंगी। और याद रहे चावल को हमें 60% ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इसे। चलिए इसे ढक के हम थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं और इधर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चिकन की क्या स्थिति है। देखिए चिकन ने पूरा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे बढ़िया से मिला लेंगे और चला लेंगे और इसमें हम डालेंगे दही। मेरी रेसिपी में दही मैं बाद में डालती हूँ और इस तरीके से दही को फेंट के मैं इसमें डाल दूंगी और बढ़िया से मैं इसे मिला दूंगी। तो दही डालने के बाद हमने इसे बढ़िया से लिया है मिला और देखिए कितना ज़्यादा ग्रेवी बन गया है। इसी पानी को हमें सुखा देना है। ये देखिए इसी से तो हमारा चिकन गल जाएगा। जो बिरयानी का चिकन है वो बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है। हम इसे इसी तरीका से चलाते चलाते फ्राई कर लेंगे और ये देखिए हमारा जो चिकन है वो लगभग बन गया है। अब हम इसे हटा लेंगे। इधर हमारा चावल भी रेडी हो चुका है। चावल जितना हमें पकाना था वो पक चुका है। चावल को भी हम अब निकाल लेंगे। अब चलिए बिरयानी को सेट करने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले लेयर बनाना है। लेयर बनाने के लिए पहले मैं नीचे चिकन डालूंगी, फिर उसके बाद ऊपर से हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए चावल को खिरा के डालेंगे, चारों तरफ चावल को खिरा देंगे। और मैंने क्या किया था कि पहले ही घी में प्याज जो होता है उसे फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे हम फ्राइड अनियन डाल देंगे, फिर उसके बाद हल्का सा घी डालेंगे और फिर उसके बाद चिकन का लेयर डालेंगे, फिर से चावल डालेंगे और फिर से हम प्याज ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ घी, और घी के बाद मैं यूज़ करूँगी कलर। पहले थोड़ा सा मैं होल बना दूँगी चाकू से, फिर उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है और फिर लेमन कलर मैंने यूज़ किया है। इन सभी के बाद मैं थोड़ा सा केवरा वाटर डालूंगी। इसे बहुत ही मतलब कि ध्यान से डालिएगा। और उसके बाद गर्म दूध डाल के मैं इसे फॉइल से ढक दूंगी। किसी भारी चीज़ को ऊपर डाल देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे करती हूँ ओपन। और ये देखिए जो हमारी बिरयानी है वो बन के है तैयार। बहुत ही खिली खिली बनी है, बहुत अच्छा से सेट हुआ है, बहुत अच्छा से दम हुआ है। देखिए मैंने इसे निकाल दिया है। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत